पशु पालक भाइयों, क्या आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है? हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है? या आपका पशु शरीर से कमजोर है? तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए। रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे, और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है। चूक ना जाना न्यूट्री डाइट खिलाना। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई ना गुरमीत कवि की हाथ जोड़कर राम राम है। नमस्ते दोस्तों, लगातार आप लोगों को एक से एक अच्छा पशु, चाहे सेल का है चाहे बिना सेल का है, चाहे अच्छे अच्छे पशुपालक है जो नए नए पशुपालक ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं, उन सभी की वीडियो आप सभी के सामने हम लेकर आने लग रहे हैं। उसी मुहिम में आज आप पहुंच चुके हैं जिला पानीपत के बड़ोली गांव में। भाई संजय शर्मा जी हैं, डीपीई के पद पर कार्यरत, बड़े अच्छे शिक्षक भी हैं, पढ़े लिखे साथी, साथ में एक बहुत अच्छे पशुपालक है, बहुत अच्छा पशुधन है, उनके पास आज अवेलेबल है, मौके पर दिखाएंगे और बिल्कुल सारी बातें आप संजय जी भाई साहब से जानेंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं जिला पानीपत में, जीटी रोड से सटा हुआ गाँव है, गाँव बड़ोली जिला पानीपत। संजय भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। संजय भाई साहब राम राम। राम राम सभी पशुपालक भाइयों को। और ठीक हो भाई? बढ़िया जी भाई साहब का। बात चल रही थी जैसे आप बैठे थे पहले, भाई स्कूल में डीपी के पद पर कार्यरत। हाँ जी भाई साहब। कितनी क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है सर? भाई साहब मेरी एमए है, एमए फिजिकल है, एमए फिजिकल, और एक साल का योगा का डिप्लोमा हरिद्वार से। अच्छा। और छह महीने का योगा का, छह महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा पानीपत से। और अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें संजय भाई साहब, कितना का एक्सपीरियंस हो चुका है एजुकेशन लाइन का? 6-7 साल का भाई, बतौर टीचर। हाँ जी। तो इस 6 साल के पीरियड में कितने के पशु लाइन में कैसे फिर इंटरेस्ट हो गया? तो स्टार्टिंग था ही है, शुरू से ही। मेरा दादाजी भी करा रहे थे, मेरे फादर जी भी, आगा मारा भी पूरा। पढ़ा जैसे जो काम है पशुओं का, घर पर दूध की आपूर्ति के लिए करते हो? अपने लिए, बस अपने लिए, अपने लिए। तो आज जो वीडियो में आप झोटी देखने लग रहे, क्या कुछ डिटेल होने वाली है, खासियत क्या है अपनी झोटी की? भाई साहब सेकंड टाइमर है, तो मैं फर्स्ट टाइमर भी कह दूंगा। हाँ। झूठ का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, ना अपना कोई सेल परचेज का कोई काम है। हाँ। सेकंड टाइमर है, मैंने सिर्फ दिखाना कि मेरे पास भी एक धन है, एक धन है, अच्छा धन, अच्छा धन। फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध दिया? फर्स्ट टाइमर के मैं 10 किलो बाल्टी में निकल करूँ था, एक थन मैं अपने इसके बच्चे के लिए, इसके बच्चे के लिए छोड़ दो। तीन थन इसके जन्मता है, चौथा है ही नहीं, चौथा का निशान भी नहीं। तीन थनों वाली, तीन थन, चौथे का निशान भी नहीं है कहीं। अच्छा, तो दो थनों का ही दूध आप निकालते थे? हाँ। और एक थन चुंगा देते थे कटड़े को, काफ। हाँ। को क्या काफ था फर्स्ट लैक्टेशन में? ओ है भाई साहब, फीमेल, फीमेल कटड़ी है। हाँ, कटड़ी है। इसकी माँ के नीचे कितना दूध था? इसकी माँ के नीचे 12-13 किलो दूध था। इसकी माँ दो थन की थी भाई साहब। अच्छा, इसकी माँ खुद दो थन की थी? हाँ। ये तो वाकई में यूनिक बात आज पता लगी है भाई। इसकी माँ दो दिन में घर दोल थी। हाँ, दोल थी, है ना? या तेल है, या तेल है। आगे जो इसके नीचे है, चार थन की है। उसके तो चार आगे, पिटी दर पिटी सुधार तो हो गया। हाँ, सुधार। लेकिन ये अगर बात करा आपने, देखो बचपन से आप बता रहे, चौथा थन था ही नहीं, डॉक्टर डॉक्टरों को दिखाया, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा केस और भी दिखा आपने अपने एरिया में? एक और मैच थी पड़ोस में थी, वो सेल कर दी। तो रीजन क्या रहा इस चीज का, रीजन क्या है? जो परमात्मा दे दिया, जो परमात्मा दे दिया, जो परमात्मा, ठीक ठीक, अपना तो हाथ जोड़ कर ले रखे, जो परमात्मा दे दो ठीक है। तो इसकी माँ मतलब या खुद टिक्के की है, जोटे की है भाई साहब? या नहीं, जोटे ना टिक्के की है। कौन सा भी ध्यान नहीं, न्यू ध्यान नहीं, ध्यान। तो इसका कौन सा टिक्का रखवाया पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में जोटे की। कौन से जोटे से? गंज बड़ा है यार, दोस्त था वो ले रहा था, बढ़िया सा उतरा जोटा था, जींद साइड का जोटा था, उस पर तले का था। अरे उन्नी लड़की थी। अच्छा, जो खीरी। हाँ, ही प्रेग्नेंट। हाँ, होगी थी, खीरी होगी थी। ठीक ठीक ठीक। और या बयान तो 1-2 महीने पहले इसने दो दांत तोड़े थे। अच्छा अच्छा, बयान से मात्र 2 महीने पहले। हाँ, दांत तोड़े, दांत तोड़े थे। ये फिर कितने लंबे टाइम तक दूध दिया इन्हें पहले? मैंने अपने आप ही छोड़ी दिया। अरे ईट में कितने दिन के बाद आ गई थी? ईट में थोड़े दिन या सुबह के महीने की ईट में आ गई थी। अच्छा, फिर मैंने अपने आप, काफी टाइम हो गया था, एक बार रिपीट हो गई थी। तो रियल मैं न्यूट्री डाइट दिया करूं था इसने। अच्छा। उसकी वजह था आगे थी निर्मल भाई पानी पताला। हाँ। मेरी उसके बात भी हो, कंधे का नंबर भी दिखा दूं। हाँ। बात करा दूं। हाँ। उस पर था सबसे पहले मैं न्यूट्री डाइट मंगाना। क्या बेनिफिट है न्यूट्री डाइट? बहुत बेनिफिट है भाई, जैसे कि बहुत बेनिफिट है। दूध लंबे टाइम तक, टाइम पर बोला है, डांगर सेहत मंत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा विकास करता, पूरा कति ग्रोथ। तो काटड़ा था, उबरे नहीं था, मैंने न्यूट्री डाइट उस काटड़े के ला दिया था, मैं बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर इस झोटी की बात करा, ब्याने से कितने दिन पहले दूध निकालना छोड़ दिया है? मैंने 3-4 महीने पहले छोड़ दी थी। हाँ, अपने आप ही छोड़ दी थी मैंने। कितने दूध बल्ला टाइम?
या मैंने 2.5 किलो का छोड़ दिया। 2.5 किलो घी की बात करा संजय जी, घी ठीक है, घी ठीक है। हाँ नुकर वो एक बात बताओ, अटपटा सन लगता तेल की धार कट दिया ना, कोई नहीं गोखा सन लगता ना पर अभी के लिए कोई सेल सूल का इसका विचार है? इब्बा तो फिर मौके पर देखेंगे, इब्बा तो अभी कोई विचार नहीं है। अगर कोई पशुपालक होगा तो मौके पर बात, मौके पर देखेंगे। ठीक ठीक ऊ धार पूछा कैसा मखना की बात करा, मड़ा कट डूगा मुंह मुलवाना बस। अच्छा वो कोड़ी तक दी मिलती नहीं। हाँ मैं झूठ बोलू उसका कोई फायदा नहीं, मड़ा काट का मुंह मुलवाना गिल्ला पोस दिया जाए, गिल्ला पोस दिया जाए। टिक्का टाका कदे यूज नहीं कर, मैंने तो जिंदगी में लगा नहीं कर। दार कोई काट लियो, कोई मैं काट दूं, मेरे माँ भी काट ला, मेरे चाचेर भी काट ला, मेरा बड़ा भाई भी काट ला, अब कोई भी निकाल लो शाम से निकाल लो, गाड़ में भी काट लम तो। अच्छा अच्छा कोने को गली में काट, कोनी काम है गेट मार के, ना 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 कोड मार, ना 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 अपने पैसे मन इसे पशु कति पसंद नहीं आते। अच्छा अच्छा मेरी और आपकी 2017 तो उठ बैठा भाई साहब, झूठ बोलेगा कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाँ, अगला भाई मना झूठ बेच बोल का ना सेल करनी, मेरा ऐसा कोई मिजान है भी नहीं है। गाड़ में आधार कार्ड लू, अड़ोसी पड़ोसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे गाड़ में ट्रैक्टर ऑटर लियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गणेश शांत स्वभाव की मैं मजा आया कथी। चलो जी मतलब ही नहीं, पा मड़ा हा एक इंच भी ला दे। ठीक 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 आधार कार्ड दिया। और अपने घर पे कितने क्या पशुधन है, या गाय है एक इसकी वो है हरियाणा नस्ल की? ठीक ठीक देख लो हरियाणा है जो भी है। हाँ हाँ देसी नस्ल है। और जो इसका किसी कटड़ी है जो अभी वो दिखा दूंगा अपने। हाँ, वो कटड़ी है इसकी, ये तीन ही पशु है फिलहाल करंट में, तीन करंट में तीन। हाँ। इससे पहले ज्यादा थे कटा दिए, इसके पहले भी थे। अच्छा कटड़ा था मैंने बेच दिया था। वो कितने का सेल कर, वो मैंने 25-26 हजार रुपए का दे दिया। कौन लेके गया उसको? यो डॉक्टर है विनोद नोरेवाला। अच्छा बहुत बढ़िया पशु होगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मैं जब मेरे नो जाकर सब हाथ रह जाए मैं उसने बुला करूँ। अच्छा लास्ट ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, कभी नहीं मैं तो ना करता, चाहे कोई भी जा रहा चाहे चंडीगढ़ जा रहा नुका आगरा पंडित जी आ लिया। ठीक डॉक्टर विनोद नोरेगा। चलो जी बड़ी अच्छी बात। अब की बार सीमन भी इधर का गा था, 17 जून ने सिमंदर का गा था, मना कड़ी बार जाना था, मतलब मैं अपने आप दर दूंगा। अभी कितना टाइम बाकी है डिलीवरी का? टाइम तो गैस के 17 अप्रैल ना पूरा, 17 अप्रैल को। हाँ। आज आपकी वीडियो बनने लग रही है 20 अप्रैल को। हाँ 20 अप्रैल यानी कि 3 दिन ऊपर हो चुके हैं, 3 दिन ऊपर हो गए डिलीवरी होने को। होने को कल हो जाए, आज हो जाए, परसों हो जाए, मेरे हिसाब से 2-4-5 दिन का टाइम लेवेगी लेवेगी। उस चीज का रीजन बस इसके परमात्मा, पहले ब्यांत में भी लिया था, पहले ब्यांत में ना सच बताऊं तो मैं दिन भूल रहे थे। अच्छा तो फिर उसके हिसाब से हम नजुकर दिन है का देखा नहीं तो या 7-8 दिन लेकर लिए थे। ठीक 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 तो मेरे साथ है 5-7 दिन पहले भेगी। चलो जी बड़े अच्छा लगा संजय भाई से मुलाकात करके, बाकी मेरी तो मुलाकात भाई साहब से होती रहे, पशुपालक भाइयों से जो अपना पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल इसके ऑडियंस से आज मुलाकात कराई है। संजय भाई साहब अपनी सारी बातें लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, अपनी डिटेल और एक बार आप बता दो नाम गाँव मोबाइल। मेरा नाम संजय है। हाँ, शर्मा है। हाँ, मेरा गांव का नाम बडोली है, बिल्कुल लगता मैं जीटी रोड पे है। ठीक है जी, यो मेरा गांव। मोबाइल नंबर सर 98-96-83-93-97 ये आपका मोबाइल, यो मेरा मोबाइल। व्हाट्सएप का भी नंबर है, व्हाट्सएप भी है। पानीपत से कितनी दूर पड़ता होगा अपना गांव? 6-7 किलोमीटर दूर है। अच्छा 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जिस भी पशुपालक भाई का भाई साहब का पशु समझ माँ हो या अन्य कोई जानकारी लेनी हो पर भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो एक ही बात कहूँ गुरमीत भाई। हाँ जी सच कह रहा, न्यूट्री डाइट देगा देखो एक बार। अच्छा अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट देखो निर्मल भाई है। हाँ इस टाइम मना शुरू में फोन करा मैं बोला निर्मल भाई न्यूट्री डाइट चाहिए, मैं बोला भाई साहब देखा देख, मैं बोला मखा भाई साहब पीछे ले जाओ, बोला भाई साहब पीछे अपने आप आ जाएंगे। आज लग मिला नहीं, 3-4 फिर मंगा ली, कंधा तो बात करा दू अपने आप ही दे जा बेचारा। मैंने कहा निर्मल भाई पीछे भाई मैं अपने आप ले दूंगा कोई टेंशन नहीं, देखा अलग मिला नहीं। हाँ। अपना बुहार जो भी है फोन पे बात हो, फोन पे बात हो याद लगा, फोन पे ये भी एक कॉम्बिनेशन है भाई, तो ऐसा व्यवहार भाई फोन पे बात हो याद लगा। बड़ी मैं कभी मिला नहीं भाई था। हाँ भाई का दिल था धन्यवाद आप जोड़ कर जी जी भाई, अगले ने देखा अपने आप ही दे जाए, पीछे आग लेता फिर मैं गिल्ला दे दिया करूं, नहीं हो तो नहीं मखा भाई सामने पहुंचेंगे कोई बात नहीं, चाहे 2 दिन बाद दे दिए 10 दिन बाद दे दिए, अगला कभी करना देख। हाल मिल तो बड़ा ऐसा बनता है, देख गुरु में तो देगा देखो, बिल्कुल देगा देखो, देगा देखो, बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा। एक 5 किलो के पैकेट में कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा कोई कहीं लाख रुपए क्या प्रोसेस इसका डालने का? सुबह शाम अपना मैं तो मंडी में मिला दू था, कितना कितना 50-100 ग्राम। अच्छा अच्छा सुबह शाम दोनों मुकर मुकुर तो नहीं उनका, नहीं मतलब नहीं और भी अगर खोर में बोरा भी पैदा मैं जिम्मेदार हूँ, राजी हो खाओ मेरे पहले जो पीछे। अच्छा 5 किलो के मेरे पहले जो, इतनी गारंटी, इतनी गारंटी ले। आज संजय ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो संजय भाई साहब आनंद राम राम।
राम राम सभी भाइयों का, सारे भाइयों ने भाई राम राम। बड़ा कीमती समय संजय भाई ने दिया, ऐसे पशुपालन करते रहो। और सारे पशुपालक भाइयों से अनुरोध है भाई, अपने पशुओं की जरूर से जरूर वीडियो बनाएं, शर्माए ना, आपका पशु वायरल होगा, लोग देखेंगे आपका एक्सपीरियंस, आप लोग शेयर करें ताकि और नया जो हमारा पशुपालक भाई है वो आपकी वीडियो को देख कर वो भी पशुपालन की शुरुआत कर सके। और हमारी जो वीडियो बनाने का कॉस्ट है वो जियो है, कोई किसी प्रकार से हम किसी से कोई कॉस्ट नहीं लेते, फ्री हर पशुपालक की वीडियो बनेगी। आप लोग संपर्क करें 999-17-3100-7 मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 70-150-70-913 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जिस भी पशुपालक भाई ने अपनी वीडियो बनवानी हो, अपने पशु की वीडियो बनवानी हो, चाहे आपका सेल का है, चाहे आपका अच्छा पशु है, या आपके पशु के अंदर कोई यूनिक ऐसी बात है जो मतलब औरों के पशु से आपके पशु को अलग दिखाती है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके पशु को लोगों को दिखाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई, राम राम भाई, राम राम आनंद जी, राम राम जी सारे भाई।